उपाध्यक्ष महोदय, हम केवल दो कारणों से शक्तिशाली होना चाहते हैं। एक तो इसलिए जिससे हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें और कोई भी चीज़ क्षति न पहुंचा सके। दूसरे इसलिए कि हम अपने आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं। हम अपने यहाँ अतीत काल से पाई जाने वाली बीमारी गरीबी को हटाना चाहते हैं। हम पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब देश में स्थिरता रहे। लेकिन अगर हमारी एकता कमज़ोर होती है तो स्थिरता होना असंभव है। यह समस्या थी हमारे सामने। संभवतः हमारे विरोधी इन खबरों की गंभीरता को भांप सकने में असमर्थ रहे और हमारे बहुत से भाई जो हमारे विरोधी नहीं हैं बल्कि मित्र और हितैषी भी हैं, शायद अपनी कठिनाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि इधर ध्यान नहीं दे सके। हमें अपनी जीविका के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, रोजगार धंधे की खोज करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है। प्रत्येक परिवार के सामने ऐसी समस्याएं होती है, इसलिए प्रायः वे नहीं जान पाते कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। हमने देखा है कि अनेक निकट और दूर के देशों में किस प्रकार सरकारें बदल रही है और स्थिरता कच्चे धागे से लटकी हुई है। हमने अपने ही संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता पाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे हमेशा ही बिना कोशिश के बनाए रखा जा सकता। हमें उसकी रक्षा सदा ही करनी है और मैं समझती हूँ कि हमने जो रास्ता चुना है उसी के माध्यम से उसे बनाए रखा जा सकता है। हमने धर्म निरपेक्षता का कार्यक्रम चुना है क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य अनेक लोग हैं, जिनमें प्रायः विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अलावा वे समुदाय हैं जो अभी तक दलित रहे हैं। हम उन्हें पिछड़े के नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पिछड़े वर्ग के तो नहीं हैं, लेकिन गरीबी के कारण कठिनाई झेल रहे हैं। अगर हम इन सब के रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठाएंगे और उन्हें कुछ सीमा तक दूसरों के समकक्ष नहीं लाएंगे, तो हम राष्ट्र की एकता को नहीं बनाए रख सकते। तब उनमें असंतोष सुलगता रहेगा। इसका परिणाम हमेशा ही अशांति के रूप में प्रकट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमने अपने आप को एक गंभीर स्थिति में पाया और इसके लिए हमने कुछ उपाय किए। अब देश का भविष्य क्या होगा? लेकिन हमने अनुभव किया कि देश के शरीर में एक बीमारी पैदा हो गई है और अगर उसे शीघ्र रोग मुक्त करना है तो दवा देनी होगी, नहीं तो स्वास्थ्य लाभ असंभव हो जाएगा।
इसलिए हमने राष्ट्र को यह कड़वी दवा दी। और मैं आपसे ईमानदारी के साथ कह रही हूँ कि मुझे खुद नहीं लगा था कि इसका प्रभाव क्या होगा। हो सकता है कि आप सब बहुत रुष्ट हो जाते और इस सरकार को हटाने की मांग करते, लेकिन उस जोखिम के बावजूद मैंने सोचा कि व्यक्ति से ऊंचा राष्ट्र होता है, और अगर जनता मुझे हटने को कहेगी तो अगर मुझे हटना होगा तो मैं हट जाऊंगी। लेकिन मुझे यह कड़वा घूंट पिलाना ही होगा। मैं यह नहीं कह सकती थी कि रोगी तड़पता है तो तड़पता रहे, क्योंकि उससे तो बीमारी बाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे लिए यह सोच पाना मुश्किल था कि मेरे कार्यकाल में रोग और न बढ़ने पाए, और अगर बाद में बढ़ना है तो मैं क्यों चिंता करूं। हम इस मौके पर यह सोच विचार कर सकते हैं कि राष्ट्र का सबसे अधिक हित किस बात में है। ऐसा करने से राष्ट्र हित को ही बल मिलेगा। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी तरह हमें भी कदम उठाकर कोई खुशी नहीं हुई। हमें भी रंज था, हमें भी चिंता थी, लेकिन हमने देखा कि इसका प्रभाव वैसा ही हो रहा है जैसे डॉक्टर की दवा का प्रभाव होता है। उससे वातावरण में बदलाव आया, अनुशासन का पालन होने लगा, राष्ट्र का मनोबल ऊंचा हुआ, और बाहर के जो लोग हमारे आलोचक थे उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि देश में कहीं भी अनावश्यक संख्या में न तो पुलिस दिखाई देती है न सैनिक। गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में हमें कुछ सफलता मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में थोक मूल्यों में लगभग 8% की गिरावट आई है। रोज की आवश्यकता की चीज़ों के दाम भी गिरे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन 15% बढ़ा है। भूमिहीन और गरीबों को मकान बनाने के लिए 50 लाख से अधिक प्लॉट दिए गए हैं।